See here, say hi. Hi. Hello friends, welcome to my channel Rock and Rocky Fun. ये मेरा बेटा है, 2 साल का है. गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि छोटा बेबी होता है तो हम सोचते हैं कि उसे कैसे पढ़ाएं, कैसे कितना डिफ़िकल्ट होता है, फिर हम उसे छोटे ही एज में ट्यूशन भेजने लगते हैं. तो उससे अच्छा है कि गाइस, और जैसे कि बच्चों को वीडियोस भी दिखाते हैं तो फालतू के कार्टून्स वगैरह ये सब दिखाते हैं, उससे अच्छा दिखाने से अच्छा है कि हम उसे अपने बच्चों को अगर हम कार्टून्स वगैरह दिखाते हैं तो राइम्स दिखाएं. राइम्स बहुत ही अच्छा होता है बच्चों को सीखने के लिए. जैसे कि ये मेरा 2 ईयर बेबी है और इसे अल्फ़ाबेट्स A to Z तक पूरे आते हैं. 1 से 10 तक नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स भी आते हैं, पहचानता भी है और उसे बताता भी है. तो ये मेरा बेबीज, मैं अपने बेबी को छोटे से ही जब भी मतलब मैं ये नहीं कहती कि कंटिन्यू आओ आप उसे राइम्स या फ़ोन या मोबाइल मतलब उसे दिखाओ. हाँ, जब भी रोते हैं बच्चे तो आप उसे कार्टून दिखा दो, तो मैं उसे दिखाती हूँ. इसके लिए राइम्स ही मैं मतलब चलाती हूँ. राइम्स में जैसे ABCD हो गए, 1 2 आता है, इनका भी आता है. और राइम से बच्चे बहुत सारे मैनर्स, सारी चीज़ों को पहचानना सीखते हैं. तो जैसे मेरा ये बेबी 2 ईयर बेबी है, ये राइम से ABCD 1 2 कलर्स नेम ये सारी चीज़ें सीखा है. क्योंकि मैंने एक दिन देखा कि ये राइम्स देख रहा था, तो इसने मैंने नोटिस किया कि ये ABCD जो अल्फ़ाबेट्स चल रहे थे वो बोल रहा था. फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको मार्केट से टॉय जो अल्फ़ाबेट्स होते ABCD वो मंगाए. फिर हमने वो ना मंगा के मैंने पहले सोचा कि मैं घर पर ही पेपर ब्लॉक्स बनाती हूँ ABCD अल्फ़ाबेट जिस पर लिखा हो. तो जब मैंने वो बनाया तो ये मेरा बेबी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. और जैसे कि वो कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं पहचानता था, तो मैंने जब ब्लॉक्स बनाए तो वो ब्लॉक्स में बताने भी लगा. और जो चीज़ें नहीं आती थी वो खुद ही पूछता था कि मम्मा ये क्या है, तो हम बताते थे. तो इसके थ्रू वो सारी चीज़ें सीख गया. जो अल्फ़ाबेट्स नहीं पहचानने आता था वो भी वो पहचानने लगा. और फिर हमने काउंटिंग नंबर्स 1 से 10 तक का भी बनाया, वो भी वो बताता है. वो भी 1 to 10 तक उसने भी राइम से ही सीखा. फिर हमने ब्लॉक्स बनाया तो वो उसको भी बहुत अच्छा से पहचानता है, सारी चीज़ें बताता है. मैंने ये वीडियोस भी डाला है जिसमें मेरा बेबी वो ABCD सारी चीज़ें बताता है. जैसे कि मैं यहाँ पे भी पूछ सकती हूँ, आप देखिए वो हमें बताएगा कि क्या है. जैसे कि देखिए ये बाबू, टेल मी व्हाट इज दिस. एम. हाँ, एम. यस, एम. गुड बेटा. अच्छा बाबू, व्हाट इज दिस. बॉल. बी बॉल. इसे बॉल बोलता है मेरा बेबी, जैसे बी बॉल. और ये बताओ बेटा, व्हाट इज दिस. ये है एच. बताओ क्या है बेटा. देखिए ये है, बताओ बेटा क्या है बाबू. हाँ देखिए, यस. ये क्या है बेटा. हाँ ये क्या है. ये देखिए, ये क्या है बेटा. हाँ जेड. ओके, एंड व्हाट इज दिस. काइट. हाँ काइट. हाँ काइट. ओके, एंड व्हाट इज दिस. टॉबी. हाँ वाह, देखिए एग्जांपल के मतलब थ्रू मैं बता रही हूँ कि हाँ मेरा बेबी बताता है. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बेटा बताइए. एक्स. हाँ एक्स. देखिए बता रहा है मेरा बेबी, सारी चीज़ें बताता है. एंड व्हाट इज दिस बेटा. ओ. यस. एंड व्हाट इज दिस बेटा. यू. देखिए ये यू है, यू बता रहा है. मोटू. हाँ मोटू है वो. और ये क्या है, व्हाट इज दिस. बू. हाँ बू. जैसे डी ए डॉग, डॉग भोबू करता है तो वो उसको यही बताता है. और ये बताओ क्या है. ए. ओके बेटा. मोटू है मोमो. हाँ मोटू है, मोटू है. ओके, बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं. ओके ये बताओ बेटा. ये एन है. तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं मेरे बेटे. ये बताइए. आई. आर. क्या है. आई. हाँ आर है. तो ये और एंड व्हाट इज दिस बेटा. एल. देखिए एल. ये सारे अल्फ़ाबेट्स हमें बताते हैं, हमें जैसे काउंटिंग नंबर्स में. जैसे ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस. नाइन. देखिए नाइन बताएंगे. और भी कहाँ है सारे ब्लॉक्स. टू. 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 हाँ टू. देखिए ये टू है, इसे टू बता रहे हैं. नाइन. नाइन. हाँ और ये क्या है. थ्री. थ्री. देखिए थ्री बता रहे हैं. मुंडो ना मुंडो. और ये क्या है. एट. देखिए एट बता रहे हैं. और ये क्या है. वाई.
देखिए वाई बता रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों हमने इन बच्चे इसको इंजॉय, ये इन्हें इसे बहुत इंजॉय करते हैं, अगर कोई घर में आता है तो उसको भी ज़बरदस्ती उसे दिखाते हैं और बताते हैं कि ये है सारी चीज़ें, इसे बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे कि मैंने देख लीजिए, मैंने अल्फ़ाबेट्स बनाया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें हैं, तो ये इसे बहुत ही इंजॉय करता है और खुशी से बिना प्रेशराइज किए हुए इसे ये पढ़ता है और बहुत ही खुश होता है। हमें भी बताता रहता है मम्मा ABCD कहाँ है ABCD, और इसको इंजॉय करता है और पूछता रहता है हमेशा, तो जिससे कि ये भूलेगा भी नहीं और ये हमेशा पूछता भी रहता है और ये इजीली बच्चे सीख भी लेंगे। और इसे हमने बिल्कुल प्रेशराइज करके कुछ नहीं सिखाया, ये राइम से ही सीखा है और बहुत ही हेल्पफुल है राइम्स। कलर्स भी पहचानता है, रेड येलो वाइट ग्रीन, ये सारी चीज़ें बताता है, काउंटिंग नंबर्स बताता है, तो डेट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो मैं यही सजेशन करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल देखते हैं, उसमें कार्टून सब फालतू कार्टून, जो चाइनीज़ कार्टून बच्चे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो वही देखता है। और मैं अपने बच्चे को रैम सिखाती हूँ, जिससे कि ये क्लैपिंग करना, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम भी बताता है। चलो बाबू, व्हाट इज दिस, आई कहाँ है, आई नोज, नोज बता दो, गुड बेटा। चलो मम्मा नोज बताओ, नोज कहाँ है, और लिप्स कहाँ है, लिप्स, और टीथ कहाँ है, टीथ, फिंगर कहाँ है आपका, फिंगर, फिंगर, हैंड कहाँ है बेटा, हैंड, हैंड, और हेयर कहाँ है, हेयर, अच्छा लेग कहाँ है, लेग, गुड। तो मतलब सारी चीज़ें बताते हैं हमारे बच्चे, नेक कहाँ है, नेक, 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 ईयर कहाँ है, ईयर, ईयर, इधर देखो इधर ईयर, अच्छा हेड कहाँ है, हेड, 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 माइंड कहाँ है, माइंड, यस वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। आई बताओ, आई कहाँ है, आई कहाँ, ओके बेटा गुड, वेरी गुड। हैंड, हैंड बता दो, हैंड, फिंगर, वेयर इज योर फिंगर, ये फिंगर, दैट फिंगर को ऐसे बताते हैं। चलो तो गुड, ये सारी चीज़ें, यस एस, यस इसको एस बता रहे हैं, अच्छा ये एम एम, देखिए ये ऐसे ही बताते रहते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, बताते रहते हैं, इन्जॉय करते हैं बहुत ही ज़्यादा। और गाइज प्लीज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।